हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट सेशन ऑफ गुरुकुल। गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर थोड़ा बहुत स्वागत है। तो अज के सैशन आप डिस्कस कर जा रहे हैं 5th of May 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। 5 May 2021 के जिन्हें भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने जो कि अपने एग्जाम परस्पैक्टिव तो जरूरी है, उन्होंने आप इस सैशन डिस्कस कर जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस सैशन कुछ इंपॉर्टेंट डेज जेडे कि आप 4 मई ऑब्जर्व किए हैं। सो अज के दिन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज नहीं सी। सो इस तो पहल जे भी इंपॉर्टेंट डे ने जो बाकी रह चुके हैं उन्होंने आप डिस्कस कर जा रहे हैं। सब तो पहला है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो जोड़ा ये डे है वो 4 मई हर साल ओबजर्व किया रहा, पूरे ग्लोबल लैवल से किया रहा, क्योंकि इंटरनेशनल जोड़ा ये डे है। फायर फाइटर्स मतलब जोड़े जो तो किसी भी जगह पर अग लग जाती है उसनों बुझाने के लिए कुछ परसन आते हैं, तो वो जोड़ा फायर फाइटर्स के तौर पर काम करते हैं। हूँ ये डे क्यों ओबजर्व करते हैं? ताकि आप रैकगनाइज कर सकी ऑनर कर सकीए ये जोड़े फायर फाइटर्स द्वारा किए गए सैक्रीफाइस, क्योंकि समटाइम्स होंगे कि अग इन्नी ज़्यादा भयानक होंगी है, उन्होंने नुकसान भी हो जाता है, तो अपने लिए आप सेव करने के लिए इन्ना ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, तो उन्होंने इस सैक्रीफाइस नूं ही ऑनर करने के लिए रैकगनाइज करने के लिए ये डे आप ऑब्जर्व करते हैं। तो यह भी शो किया रहा कि किस तरह कम्यूनिटीज़ के इनवायरमेंट नूं सेफ रखने के लिए वो कोशिश करते हैं, जिन्ना भी वो सेफ रख सकते हैं उन्ना ही रखने की कोशिश करते हैं। जो तो भी उन्होंने कोई न्यूज़ मिलती है लाइक किसी जगह पर अग लग गई है, तो उदो नाल दी नाल ही वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए उसनों बुझाने की कोशिश करते हैं। सो यह डे उन्होंने लिए ही है, उन्होंने डेडिकेट किया रहा इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। नैक्सट जोड़ा है वह है वर्ल्ड अस्थमा डे। ये भी आप 4 मई ही ओबजर्व किया। बेसिकली जोड़ा वर्ल्ड अस्थमा डे है वह 1st Tuesday ऑफ मई ओबजर्व किया रहा। पहला ट्यूजडे चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कदों भी कि डेट न आ जाए, तो उन्होंने ही जो ट्यूजडे हों पहला मई महीने का उसते ये डे आप ओबजर्व करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। यदा मेन एम की है टू इंप्रूव अस्थमा अवेयरनैस एंड केयर अराउंड द वर्ल्ड, कि जोड़े लोग ने उन्होंने अस्थमा के बारे अवेयरनेस जनरेट हो सके कि सिमटम्स होंगे ने किस तरह इनू क्योर किया जा सकता, उस चीज़ बारे ही ये डे ओबजर्व करते हैं आप। एंड अगर आप थीम देखिए कि अगर 2021 का थीम की है वह है अनकवरिंग अस्थमा मिसकनसैप्शनस, मतलब अस्थमा के बारे जिन्या भी मिसकनसैप्शनस बनिया हुई लोगों के गलत धारनावान बनिया हुई उन्होंने चीज़ों आप अनकवर कर सकी। सो यहाँ थीम रहा है। नैक्सट अपने को है कोल माइनर्स डे। तो ये भी आप 4 मई ही ओबजर्व किया। कोल माइनर्स सब तो डिफिकल्ट जॉब होंगी है कोल माइनर्स नहीं, क्योंकि जरा इन्होंने माइनस जाके खुदाई करनी होंगी है। समटाइम्स बहुत सारिया मिसहैपनिंग्स भी देखने मिलती हैं कि इन्हों की जी जान चली जाती है कोल माइनिंग करते दौरान, प्लस इन्ना ज़्यादा डिफिकल्ट काम होंगे, इन्नी गर्मी जमीन के अंदर माइनिंग करनी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए ये जोड़ा डे आप ओबजर्व करते हैं। सो यदा एम की होंगे कोल माइनिंग इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेसन, जिमें कि मैं थोड़ा दसिया कि बहुत टफ प्रोफेसन होंगे। अगर तुम देखना चाहो तो तुम गूगल से सर्च कर सकते हो कोल माइनर्स, उन्हें थोड़े सामने पिक्चर्स आ जाएगियाँ, उन्होंने पिक्चर्स तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की सिचुएशन के अपना काम करते हैं। सो ये डे आप ही ओबजर्व करते हैं ताकि आप हाईलाइट कर सकी उन्होंने उस सिचुएशन जिदे वो वर्क करते हैं कोल माइनर्स, तो आप थोड़ी बहुत उन्होंने लिए सिंपथी जी अपने जनरेट कर सकी। सो कोल माइनर्स डे 4 मई ही ओबजर्व किया रहा। नैक्सट आप स्टार्ट कर दिया अपने इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो सब तो पहला एक रिपोर्ट के बारे गल करते हैं। विच ऑर्गनाइजेशन हैज़ रिलीज़ द ग्लोबल फॉरैसट गोल्स रिपोर्ट 2021। ग्लोबल की फॉरैसट गोल्स रिपोर्ट जी 2021 की उसनों रिलीज़ किया गया, पर उसने कि पर्टिकुलर ऑर्गनाइजेशन ने इसनों रिलीज़ किया? वर्ल्ड बैंक ने किया, FAO ने किया, UN, ECOSOC या फिर WWF। ऑब्वियसली WWF तो होएगा नहीं। दैन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन भी नहीं होएगा क्योंकि वो फूड के नाल डील करता है, एग्रीकल्चर के नाल डील करता है। बट कन्फ्यूज हो सकते हो तुम कि एग्रीकल्चर तो फॉरैसट भी हो सकता, एग्रीकल्चर के नाल फॉरैसट नहीं आ। फॉरैसट ऑब्वियसली किस दे नाल आएगा? इनवायरमेंट वाली कोई जी संस्था होएगी। सो जी UN ECOSOC है ये जी पर्टिकुलर ऑर्गनाइजेशन है वो रिलीज़ करती है ग्लोबल फॉरैसट गोल्स रिपोर्ट। तो इन्होंने ही इस साल की जी इस रिपोर्ट को प्रजेंट किया। फॉरैसट का सिचुएशन की है इस टाइम पर, किन्ने परसेंट ग्रोथ हुई है या फिर किन्ने परसेंट फॉरैसट की जी काउंटिंग है, ग्रॉस प्रोडक्ट है वो घटिया पूरे अपने दुनिया के, दैन इन्होंने की इंपॉर्टेंट रोल है वो सब इस रिपोर्ट के शो किए गए। सो अपना राइट आंसर की होगा ऑप्शन सी UN ECOSOC।
According to the UN Global Forest Global Goals Report, COVID-19 pandemic ने एक बहुत ज़्यादा impact पाया है countries से उन्होंने forest नू manage करने के लिए, क्योंकि पहला ये सी कि countries आपका जो role play कर रही हैं सी अपने forest नू बचाने के लिए, but हुनो सारा जो ध्यान है वो जो shift हो चुका है COVID-19 के लिए, because COVID-19 ने इन्ना परेशान करता कि हुन सब governments का सब systems का ध्यान किथे आ कोरोना वायरस नू डील करने के लिए, तो फॉरेस्ट से ध्यान बिल्कुल नहीं रहा, तो उस चीज़ का नतीजा यह होया कि जी फॉरेस्ट के ग्रॉस प्रोडक्ट है वो रिड्यूस हो चुके हैं। ये जी रिपोर्ट है प्रिपेयर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ यूएन, यूएन यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक, इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर डिपार्टमेंट इसे तैयार करता है। ये प्रोवाइड करता है ओवरव्यू ऑफ प्रोग्रेस ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स कंटेन्ड विद इन द यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान एंड फॉरेस्ट 2030। अपन पता है यूनाइटेड नेशन के कुछ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स है जिन्होंने आप सारे कंट्रीज ने 2030 तक कंप्लीट करना। सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स के ही हर तरह के गोल्स होंगे जिमें पॉवर्टी रिड्यूस करना, हंगर रिड्यूस करना, जेंडर इक्वालिटी बनाए रखना, उसर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्लीन वाटर सैनिटेशन प्रोवाइड करना, तो ये सब तरह के गोल्स ने उस दे विचों ही अपना जो गोल ये है कि जो अपने फॉरेस्ट एरिया उसमें आप प्रोटेक्ट करना। तो ये जो रिपोर्ट है वो उस चीज़ को शो करता है कि इंटरनेशनल लैवल से अलग अलग जगह पर किस किस कंट्री ने किस तरह के गोल सैटअप किए हैं फॉरेस्ट एरिया रिलेटिड, कि टारगेट सैट किए हैं, दैन उन्होंने किस तरह मीट कर रहे हैं, तो इस दे लई ये जी रिपोर्ट है प्रजेंट की जाती है। मोर दैन जस्ट अ हैल्थ क्राइसिस, मतलब जोड़ा कोविड 19 है सिर्फ और सिर्फ हैल्थ क्राइसिस नहीं है, वो होर काफ़ी सारे जोड़े एरियाज उन्हें नुकसान पहुँचाया, जिमें कि लोगों के जड़िया जिंदगी ने उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान होया है। दैन पॉवर्टी लाइन जी बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम ते बहुत सारे लोगों ने जॉब्स गई नियर अबाउट आई थिंक सो इस बारी का जोड़ा हूँ वाला कोविड 19 दौर चल रहा है, जो शटडाउन किया गया काफ़ी ज़्यादा जी स्टेट्स ने अपने मतलब स्टेट के लॉकडाउन इंपोज करता, जिम्मे पंजाब दे विच भी पार्शियल लॉकडाउन इंपोज होया भी है, तो उस करके जोड़े जॉब के लॉसिस होंगे ने, तो इस टाइम भी क्या गया कि नीयरली 6 मिलियन लोगों की जॉब लग गई है, 6 मिलियन मतलब 60 लाख जॉब। पिछले साल जोड़ा कोविड 19 क्राइसिस आया उस टाइम भी मिलियंस ऑफ जो पीपल से उन्होंने जॉब चलेगी, तो वो करके एक्सट्रीम पॉवर्टी राइज हो रही है, बिकॉज जो परसन डेली काम करके खाते हैं उन्होंने लिए उन्होंने घर चूल्हा भी नहीं जल रहा, उन्होंने फैमिलीज भुखिया मर रही ने, इन इक्वैलिटी जनरेट होगी। जिमें कि देखो कि जड़िया टैक्निकल कंपनी से जिमें कि नैटवर्क लिए हो गया इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट सब ने यूज़ किया, मोबाइल फोन से कंपनी हो गए, लैपटॉप से कंपनीज हो गया, उन्होंने बहुत बेनीफिट होया बिकॉज सब कुछ जो ऑनलाइन हो गया इस टाइम पीरियड से, ईवन कि अपनी स्टडी लई ऑनलाइन जोड़ा करने वास्ते छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल फोन लैके दते पेरेंट्स ने, तो जो टैक्निकल कंपनी है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होया, जोड़े बेचारे आम लोग से मैनुअल वर्कर से उन्होंने लॉस उन्होंने जोड़े काम का लॉस हो गया, तो वो करके इनइक्वैलिटी जनरेट होगी, जिमें आप कहने गरीब होर ज़्यादा गरीब हो रहा है तो अमीर होर ज़्यादा अमीर हो रहा। कोविड 19 ने इस चीज़ भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पाया। फूड इनसिक्योरिटी वधी है, क्योंकि जेडे लोगों को काम ही नहीं मिला जिन्होंने डेली कमा के खाना उन्होंने फूड कितने मिलेगा, सो ये सारी चीज़ा जीडिया इन्हों के भी इंपैक्ट पाया कोविड 19 क्राइसिस ने, कोविड 19 का ही इफेक्ट फॉरेस्ट गोल्स से भी पिया है, तो ये कोविड 19 ने अपने जोड़े फ्यूचर भी वॉन्ट न ट्रांसफर करता फ्यूचर आउट ऑफ रीच, कि आप जिस तरह का फ्यूचर चाहते समटाइम्स अपने प्लान होंगे ना कि आने वाले टाइम आप ये करेंगे, तो 2 साल नियर अबाउट 2 साल के लिए ही इन्हें बिल्कुल हॉल्ट पर रखता अपने फ्यूचर जो प्लान से आउट ऑफ रीच करते, तो ये सारा कोविड 19 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इन्हें फॉरेस्ट जो डिवेलपमेंट है वह भी इफेक्ट पाया है। तो एस्टीमेटेड जी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की है वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट फैल बाय एन एस्टीमेटेड 4.3% इन 2020, 2020 जिन्ना भी फॉर ग्रॉस प्रोडक्ट हैगा सी वो 4.3% नाल कट गया, एंड ये हूँ तक जो ग्रेट डिप्रैशन आई सी 1930s वाले टाइम पीरियड से उदों तो लैके हूँ तक का सब तो शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब इस तो पहला कदे भी 4.3% का एक साल दे विच कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया 1930 तो बाद हूँ तक हूँ ये काम होया है। एस्टिमेटेड 1.6 बिलियन पीपल और 25% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वो फॉरेस्ट एरियाज से रिलाई करते हैं अपनी नीड्स वास्ते, अपने लिवलीहुड वास्ते, अपने इंप्लॉयमेंट वास्ते, इनकम वास्ते, क्योंकि आप देखा आम तौर पर जो जंगलों के रोक लेंगे जिम्मे कि जो अपने ट्राइबल पीपल है
उन्होंने लिए मेन सोर्स की होंगे इनकम का फॉरैसट होंगे ने उत्थे उन्होंने जिंदगी होंगी है उत्थे इंप्लायमेंट लाइक जड़ी बूटियां वगैरह लैके उतों कोई पत्ते एंड ऑल इस तरह की चीज़ों तो वो अपना जिंदगी का जरा अर्निंग कमाते हैं उन्होंने इनकम इतों ही जनरेट होंगी है मतलब 1.6 बिलियन पीपल जोड़े आ जंगलों से ही डिपेंड करते या फिर अगला आप पूरे ग्लोब की पॉपुलेशन की गल करिए 25% लोग सिर्फ और सिर्फ फॉरैसट रिलाई करते हैं रूरल एरिया एक्सट्रीम पॉवर्टी है 40% जोड़े आ जंगलों के ही रेंदे आ सवाना एरिया जिमें कि जड़े जंगलों का इदा का एरिया होंगे जिते थोड़ा थोड़ा घा होंगे थोड़े थोड़े ट्रीज होंगे ने मतलब घना जंगल नहीं होंगे तो उन्होंने एरिया 40% लोग रेंदे आ अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन स्पैशली विमेन हो गई बच्चे हो गए लैंडलैस फार्मरस हो गए तो कुछ होर वल्नरेबल सैक्शन ऑफ सोसायटी वो फॉरैसट ही फॉरैसट ही डिपेंड करते अपन फूड तो इनकम दीड्स वास्ते तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जंगलों की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है उन्होंने आपको बचा के रखना चाहिए उन्होंने सस्टेनेबल डिवेलपमेंट वास्ते कंट्रीज को आपकी पार्टीसपेशन दे चाहिए बट इस टाइम पर COVID-19 क्राइसिस करके वो चीज़ भी हॉल्ट दे आ गई इस चीज़ किसने प्रजेंट की जी अपनी हूँ रिपोर्ट पब्लिश हुई है बाई UN ECOSOC तो ये कुछ यूनाइटेड नेशन के गोल्स भी है ग्लोबल फॉरैसट गोल्स यूनाइटेड नेशन के स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया हुआ फॉरैसट लिए 2007 तो लैके 2017 तो लैके 2030 तक जो उन्होंने अचीव करना पहला जोड़ा गोल की है जिमें अपने सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल है ना 17 उस तरह ही ग्लोबल फॉरैसट गोल्स भी है 6 पहला गोल का गल करता है रिवर्स फॉरैसट कवर लॉस मतलब जो भी फॉरैसट कवर का हूँ तक लॉस हो रिवर्स करो मतलब अगर कि 100 trees कट्टे गए तो 100 trees लगाओ ताकि वो रिवर्स हो सके जो लॉस है सैकेंड जो गोल वो गल करता है इंप्रूव फॉरैसट बेनीफिट्स एंड लिवलीहुड कि जोड़े लोग उत्थे रहते हैं उन्होंने बेनीफिट्स लिए काम करो क्योंकि उन्होंने लिवलीहुड्स फॉरैसट से ही डिपेंड कर दें नैक्सट जो अपना ग्लोबल फॉरैसट गोल नंबर 3 है वो गल करता प्रोटेक्ट फॉरैसट एंड यूज सस्टेनेबल फॉरैसट प्रोडक्ट कि जोड़े अपने फॉरैसट है जंगल है आप उन्होंने प्रोटेक्ट करना आप इदा के प्रोडक्ट यूज करने जोड़े सस्टेनेबल हो मतलब जोड़े उन्होंने नुकसान ना पहुँचा फिर फोर्थ गोल जोड़ा है वो गल करता है मोबलाइज रिसोर्स हमने सारे काम करने वास्ते आपको पैसे भी तो चाहिए ने तो वो रिसोर्स मोबलाइज करो फिफ्थ गोल गल करता है प्रमोट इनकलूसिव फॉरैसट गवर्नेंस कि इस तरह की गवर्नेंस होनी चाहिए है जिदे आप फॉरैसट न भी लैके चलीए फॉरैसट को इग्नोर ना करिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसायटी है दैन सिक्स नंबर गोल की है कोपरेट एंड वर्क अक्रॉस सैक्टर्स कि अलग अलग सैक्टर जोड़े आ सारे कोपरेट कर वर्क कर जोड़े अपने फॉरैसट गोल्स न अचीव करन दे लई सो ये 6 goals रखे गए हैं यूनाइटेड नेशन के स्ट्रैटेजिक प्लान दे विच जो कि आप 2030 तक अचीव करना है नैक्सट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करैक्ट अबाउट सत्यजीत राय सत्यजीत राय के रिगार्डिंग केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट आप और रसना अपने को 3 स्टेटमेंट्स गिवन ने सो आप रीड करते हैं स्टेटमेंट्स नू 1 by 1 पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि ही वॉज एन इंडियन फिल्म मेकर स्क्रीन राइटर म्यूजिक कंपोजर ग्राफिक आर्टिस्ट लिरिसिस्ट एंड ऑथर सेकेंड ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन ईयर 1992 हिज फर्स्ट फिल्म पत्थर पंचली वन 11 इंटरनेशनल प्राइजेस इंक्लूडिंग द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड इन 1956 कैनस फिल्म फेस्टिवल कि जेडे सत्यजीत रे हैगे ने वो बहुत ही ज़्यादा फेमस जड़े इंडियन फिल्म मेकर हैगे सी स्क्रीन राइटर भी सी म्यूजिक कंपोजर भी सी ग्राफिक आर्टिस्ट हो गए लिरिक्स भी लिख रहे सी ऑथर भी हैगे सी दैन उन्होंने भारत रत्न टाइटल भारत रत्न जड़ा अवार्ड मिले 1992 दैन उन्होंने जी पहली फिल्म हैगी सी पत्थर पंचली उन्हों 11 इंटरनेशनल प्राइज़ मिले जिदे विचों एक प्राइज़ यह भी सीगा बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड 1956 जो कि कैनस फिल्म फेस्टिवल हो रहा है तो आप रसना केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट आ इदा ने क्वेश्चन जोड़े आ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परसन इन न्यूज़ के नाल रिलेटेड क्योंकि आपको पेपर से सीधा सीधा पूछ लिया जाएंगे कि एक पर्टिकुलर परसन का नाम दिता जाएगा एक केड़ी फील्ड में बिलोंग करते जा फिर इन्हों की केड़ी फर्स्ट फिल्म से और दैन उन्होंने कदों भारत रत्न मिले तो यह सब कुछ जो क्वेश्चन अपने लिए जरूरी हो जाते हैं सो अगर आप इस क्वेश्चन की गल करिए तो सत्यजीत रे के नाल रिलेटेड सारिया ही स्टेटमेंट करैक्ट आ फिल्म मेकर भी सी स्क्रीन राइटर म्यूजिक कंपोजर ग्राफिक आर्टिस्ट लिरिसिस्ट ऑथर 1992 भारत रत्न भी मिल गया उन्होंने पहली फिल्म उन्होंने पत्थर पंचली ही सी जिन्हों 11 इंटरनेशनल प्राइजेस मिले सो ऑप्शन डी इज़ द करैक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करैक्ट
सत्यजीत रे इंडियन फिल्म मेकर है सी आप देख चुके हैं एंड ग्रेस्ट एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकरस ऑफ ऑल टाइम मतलब हूँ तक दे अगर आप बेस्ट फिल्म मेकरस की गल करिए तो उन्होंने एक है इंडिया की गवर्नमेंट ने उन्होंने हाईएसट सिविलियन अवार्ड जो अपना भारत रत्न और दिता 1992 उस दौरान उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी के द्वारा भी ऑनररी डिग्री प्रोवाइड की गई। रे की फस्ट फिल्म हैगी सी पत्थर पंचली जी कि 1955 रिलीज़ हुई उन्होंने 11 इंटरनेशनल प्राइजेस मिले जिद एक हैगा सी बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड एट 1956 कैनस फिल्म फेस्टिवल। कुछ होर अगर आप वर्क की गल करिए उन्होंने जी एक होर कुछ होर जी मूवीज़ वगैरह वह चारूलता तीन कन्या सोनर केलू अपू त्रिलोगी तो यह कुछ उन्होंने होर वर्क भी है विद पत्थर पंचोली सोंग ऑफ द रोड इंडियन सिनेमा वॉज लॉन्च ऑन द वर्ल्ड स्टेज मतलब जी उन्होंने पहली मूवी आई ना ये एक पत्थर पंचोली जरा उन्होंने मूवी सी उन्होंने अपने इंडियन सिनेमा पूरे वर्ल्ड के लॉन्च किया मतलब इस तो बार जो अपना सिनेमा पूरे वर्ल्ड जाने जान लग गया। सो उन्होंने काफ़ी ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आपके बारे ये सब चीज़ा पता होनी चाहिए जो कि जरूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बारे रीसेंटली केड़ा नेशन केड़ी कंट्री G7 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग नू होस्ट कर रहा तो G7 जड़ियाँ 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है वह कंट्रीज मिलकर आपस जड़े डिस्कशंस करते हैं अलग अलग मैटर्स से तो इन ग्रुप की जड़ी मीटिंग है हर साल कंडक्ट होंगी है। G7 क्यों करना है क्योंकि 7 कंट्रीज ने तो इस साल की जी मीटिंग है उसनों कौन कंडक्ट कर रहा है उसनों कंडक्ट कर लिया UK यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जोड़े है S. जयशंकर वो इस मीटिंग के लिए जाएंगे लंडन में 3 मई तो लैके 6 मई तक मीटिंग होनी है तो जोड़े अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो इस मीटिंग पार्टिसिपेट करेंगे। G7 की आ फॉरन एंड डिवेलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है COVID-19 पेंडेमिक के दौरान बेसिकली इस COVID-19 रिलेटिड मैटर्स ही डिस्कस करेंगे। अगर आप G7 कंट्रीज़ की गल करिए ये जड़िया कंट्रीज़ आते हैं कैनेडा हो गया USA हो गया UK हो गया जर्मनी हो गया जापान हो गया तो ये कुछ कंट्रीज़ ने रशिया नू एदा पार्ट बनाया गया सी आई थिंक सो 98 या 97 वाले टाइम पीरियड दे विच बट रशिया जड़ा है जो क्राइमिया वाला इशू होया तो मे भी थानू पता होवे जां ना पता होवे 2014 के टाइम पीरियड के दौरान यूक्रेन जड़ा कि यूरोप का पार्ट है तो उदा ही एक पार्ट सी क्राइमिया क्राइमिया नू रशिया ने रेफरेंडम वगैरह करा के अपने अंडर लै लिया तो उस टाइम पर जिहड़ा यूरोपियन यूनियन है जां फिर G7 कंट्रीज़ ने वह बहुत नाराज़ हुई तो उन्होंने इसनों रशिया नू बाहर निकालता उदों तो रशिया G7 का पार्ट नहीं आ तो उदो जो रशिया मिलाया गया से तो G8 कंट्रीज बन गया ना बट नाउ G7 ही अगेन इन्हों का नाम है। दैन अगर आप गल करिए G7 जी फॉरन डिवेलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2019 की हुई सी फ्रांस के सो उसनों कौन होस्ट कर रहा है फ्रांस इस बार ये 48th मीटिंग हो रही है 47th हो रही है उस टाइम 46th मीटिंग हो रही थी। नैक्सट क्वेश्चन वेन विल ममता बैनर्जी टेक ओथ एज वेस्ट बेंगाल CM तो आपको पता है रीसेंटली वेस्ट बेंगाल के इलेक्शन काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है 2 मई नू उस रिजल्ट्स आए रिजल्ट्स इन्ने भयानक आए कि BJP गवर्नमेंट में भी शांत होगी होएगी एक बार बिकॉज इस जड़े स्टेट लैवल के इलेक्शन से ना अपनी सेंटर की गवर्नमेंट ने इन्ना जोर लगाया हुआ से जिम्मे उन्होंने खुद के इलेक्शन हो जिम्मे लोग सभा के इलेक्शन चल रहे हो हालांकि ये किसी स्टेट के इलेक्शन से इन्नी ज़्यादा पार्टिसिपेशन बनती नहीं सी अपनी सेंटर की बट अपने जोड़े प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्तर विजिट्स की रैलियां की होम मिनिस्टर जे अमित शाह है उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो रैलियां वगैरह कीतिया ईवन कि अपने प्राइम मिनिस्टर तो कहें कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर की लुक अपना रहा इन्हें नहीं जो भी उन्होंने बियर्ड बधाई हुई है तो इस तरह ने काफ़ी ज़्यादा स्टंट्स किए पब्लिसिटी। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा जहा किसी भावना ठेस पहुँचा रही हूँ बट ये मेरी परसनल फीलिंग्स ने कि बहुत ज़्यादा जोर लगाया हुआ सी वेस्ट बंगाल जितने बट अनफॉर्चुनेटली की होया ममता बैनर्जी जी कि उतों की पहला 2 बार ऑलरेडी जित चुकी है तीसरी बारी फिर ममता बैनर्जी ही जित के आई तो हूँ 5 मई नू अपनी ओथ लैन जा रही है एज ए CM ऑफ वेस्ट बंगाल। सो अपना राइट आंसर की हो गया ऑप्शन सी 5th of May ममता बैनर्जी जी ओथ लैन गए 5 मई नू
ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸਦੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਓਥ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਐਮ ਦੀ ਓਥ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਐਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੇਤਾਨੀ ਰਿਵਰ ਐਂਡ ਕਰੋਨ ਲੇਕ ਵਿਚ ਵਰ ਮੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਦੋ ਰਿਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਵਰ ਹੈ ਲੇਤਾਨੀ ਰਿਵਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋਨ ਲੇਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵੇਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਆ ਸਮਟਾਈਮ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੇਤਾਨੀ ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਬਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਲੇਤਾਨੀ ਰਿਵਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਲੇਬਾਨਨ ਲੇਬਾਨਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਬੇਕਾ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟਰਨਸ ਆਫ ਡੈਡ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰੋਨ ਲੇਕ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਤਾਨੀ ਰਿਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵਾਸ਼ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਵੇਜ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਡ ਫਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ SDRF ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨ 2 ਇਕੁਅਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ SDRF ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ COVID-19 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਰਸਟ ਬਹੁਤ ਵਰਸਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜੂਨ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਮਈ 'ਚ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 8,873.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਦਾ SDRF ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਥ ਆਫ ਜੂਨ ਦੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਮੈਜ਼ਰਸ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਗੇਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓਬਿਚਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਰਾਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰ ਰਾਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈਜ਼ ਡਾਈਡ ਡਿਊ ਟੂ COVID-19 ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ
पंडित रचन मिश्रा उन्हों का पूरा नाम हैगा। उन्होंने ब्रदर के नाम मिल नाल मिल के ही वो आपकी सिंगिंग परफॉर्म कर रहे थे, जिमें कि उन्हों का नाम है साजन मिश्रा। दोनों ने इंडिया के वास्ते भी प्लस ग्लोबल लैवल पर भी परफॉर्म किया होया। दैन ये वोकलिस्ट है ख्याल स्टाइल के, क्योंकि अलग अलग क्लासीकल सिंगिंग अलग अलग स्टाइल होंगे ने, और ख्याल स्टाइल तो बनारस घराना बिलोंग करते। दोनों ब्रदरस न पद्म भूषण का अवार्ड भी मिले होया, संगीत नाटक अकैडमी अवार्ड मिले होया, गंधर्व नैशनल अवार्ड भी मिले होया अपनी मैरिटोरियस कैरियर के दौरान। मतलब काफ़ी ब्राइट करियर रहा है उन्होंने। रीसेंटली COVID-19 तो अपनी जंग हार के उन्होंने डैथ हो गई। दैन तुम देख सकते हो ये है पंडित राजन मिश्रा, काफ़ी इंपोर्टेंट परसनैलिटी है, थोड़ू एग्जाम क्वेश्चन बनने के चांसिस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NHRC। NHRC मतलब नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जेडे अपने वर्गे परसन है उन्होंने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमीशन बनी हुई है, वह है NHRC। तो यदि जी पोस्ट खाली पई सी चेयरपर्सन की, उस चेयरपर्सन की पोस्ट में भरया तो नहीं गया, बट एक परसन को चूज कर दिता गया से एक्टिंग चेयरपर्सन। जिम्मे मान लो अपने प्रेजिडेंट ना हो, प्रेजिडेंट किसी वजह करके ना हो, जिम्मे कि उन्होंने डैथ हो गई, रिटायरमेंट कुछ भी है, मतलब उन्होंने पोस्ट हजे फिल नहीं हुई, तो उन्ने टाइम के लिए जो अपने सीनियर मोस्ट जज होंगे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ने, वह एक्टिंग प्रेजिडेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। सब तो पहले जी पहल दी जाती है वाइस प्रेजिडेंट को, फिर उस तरह जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ने एज अ एक्टिंग प्रेजिडेंट काम कर सकते हैं। उस तरह ही नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कोई चेयरपर्सन नहीं सी, तो इस कमीशन के ही एक मैंबर है जिन्हों का नाम है प्रफुल्ल चंद्र पंत, उन्होंने अपॉइंट कर दिया गया एज अ एक्टिंग चेयरपर्सन, ताकि एक इन्नी इंपॉर्टेंट संस्था जी कि ह्यूमन राइट्स वास्ते काम करती है वो बिना चेयरपर्सन तो काम ना करे, वो काम प्रॉपर होंगे रहन। सो अपना राइट आंसर की होएगा, प्रफुल्ल चंद्र पंत। अदर पुणे वाला जिहड़ा ये कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परसनैलिटी अज के टाइम से, जिहड़ा अपना सीरम रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे दे विच, उसदे जिहड़े मेन परसन ही हैगे ने, इन्हां दे अंडर ही वो चलता है, तो उहदे हैड है अदर पुणे वाला SA बोबड़े, जिहड़े कि अपने लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हुण नवें बन गए NV रमना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होएगा, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चंद्र पंत। द NHRC ऑन मंडे सैड NHRC मैंबर जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत रिटायर्ड जस्टिस है ने, वह तो हूँ वो इतने NHRC के मैंबर के तौर पर काम कर रहे, उन्होंने एक्टिंग चेयरपर्सन तौर पर अपॉइंट करता 25 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल में अपने नवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं, 25 अप्रैल उन्होंने पोस्ट फिल करती जी काफ़ी टाइम तो खाली पई सी। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है ने, बिकॉज क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी है NHRC का मैंबर बनने के लिए, तो ये जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, बाद चो इन्हों मैंबर बनाया गया 22 अप्रैल 2019। उस जे चेयरपर्सन की सीट सी वो खाली पई है, लास्ट चेयरपर्सन कौन सी NHRC के, वो है HL दत्तू, वो भी जस्टिस ही है। तो एक टाइम तो अपने इंडिया के चीफ जस्टिस भी रहे ने HL दत्तू, तो चेयरपर्सन के तौर पर काम करते रहे नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ना उन्होंने पोस्ट जी काफ़ी टाइम तो खाली पई से, 2 दिसंबर 2020 रिटायर हो गए, मतलब पूरा जड़ा काफ़ी टाइम चार महीने लंघ गया, तो हूँ उन्होंने जेडे चेयरपर्सन तौर पर अपॉइंट किया गया, चेयरपर्सन ही अपॉइंट किया गया, जस्ट एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया, किसी बनाया गया प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गनाइजेशन दे रहा एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ममी वॉज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वारशा ममी प्रोजेक्ट। तो वारशा देख एक ममी प्रोजेक्ट चल रहा, ममीस मतलब जहाँ से वो जोड़े अलग अलग एक्सपैरिमेंट्स पर वगैरह परफॉर्म होंगे ने, मे बी थोड़ी देखे हो कि वाइट जो पट्टिया जी पेटियां होंगे ने हैड परसन के उपर, तो मम्मी कहने आप हूँ किस टाइप की जी मम्मी आ उसू डिस्कवर किया गया अपने साइंटिस्ट द्वारा, ट्रांसजेंडर मम्मी आ, न्यूबॉर्न मम्मी आ, प्रैगनेंट मम्मी आ, या फिर एम्प्यूट मम्मी आ। तो ये जी मम्मी है वह है प्रैगनेंट मम्मी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, डिस्कवर्ड किया गया साइंटिस्ट के द्वारा जड़ा ये प्रेगनेंट ममी। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया
वर्ल्ड का पहला फर्स्ट नोन प्रैगनेंट ममी। तो कोई भी चीज़ अगर पहली हुंडी अपने इंडिया दे विच स्टेट दे विच जां फिर दुनिया दे विच तां उह अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जिहड़ी ममी आ जिहड़ी कि कह रहा है कि पहली सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी इन इजिप्ट बिलोंग करदी सी, उह कॉफिन दे चों उहनूं मिली आ जिहड़ी कि मेल प्राइस्ट नूं बिलोंग करदी सी। ये जिहड़ी ममी आ उसनूं डोनेट किया गया सी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरसो नूं इन पोलैंड 1826 इसनों डोनेट किया गया सी। नाउ उहदे जिहड़े कॉफिनस खोले गए तो डिस्कवर किया गया कि वो जी पहली पेरेंटल मम्मी आ प्रैगनेंट मम्मी आ। तो इस चीज़ तो जोड़े साइंटिस्ट ने वो अलग अलग अपनी जी रिसर्च वगैरह करके पता करेंगे कि किस तरह की उस टाइम पर पेरेंटल हैल्थ होंगी सी अपने एंशियंट टाइम के दौरान। तो साइंटिस्ट का काम होंगे डिस्कवर करना तो अपने लिए कुछ काम जोड़ा वधा के चले जाते हैं। सो यह भी अपने लिए एक एक्सट्रा क्वेश्चन वध गया कि टाइप की मम्मी डिस्कवर हुई है, पहली दुनिया की डिस्कवर होने वाली है मम्मी आ किस टाइप की प्रैगनेंट मम्मी है। सो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्होंने आप डिटेल दे डिस्कस कर लिया। आई डोंट थिंक सो कि कोई थानू ये डाउट बचा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो कमेंट सैक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स ले सकते हो। एंड अगर थोड़ी कोई होर बैचेस के रिगार्डिंग क्वेरी हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने सारे क्वेरीज ले सकते हो। सो मिलते हैं कल के सैशन कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बाय बाय, सी यू टुमारो।